प्रशासन के यातायात के नए प्लान के विरोध में काशी के टोटो चालकों का आमरण अनशन पांचवें दिन भी जारी रहा। चालकों ने अनशन के पांचवें दिन सोमवार को दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पूरे जनपद में ई रिक्शा चालकों ने कार्य का बहिष्कार कर सामूहिक रूप से हड़ताल कर दिया। हड़ताल के कारण पूरे शहर में ई रिक्शा सेवा बाधित रही, जिससे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अन्य सेवाओं जैसे ऑटो, बस आदि सेवाओं के जारी रहने के कारण पब्लिक को थोड़ी राहत मिली। ई रिक्शा चालकों का यह हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगा। अखिल भारतीय टोटो यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी ने कहा कि ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर चार दिनों से अनशन शुरू कर रखा है, लेकिन प्रशासन या यातायात पुलिस की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रशासन ने हमारे अनशन को नजरअंदाज किया है। यह सत्याग्रह स्वास्थ्य जाँच के रूप में शुरू हुआ, जो प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संदेश था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। प्रवीण काशी ने कहा कि आज हमने महापंचायत में निर्णय लिया है कि सभी टोटो चालकों को एकजुट होकर प्रशासन के द्वारा की जा रही एरिया बंटवारे और बारकोड लगाने की योजना का बहिष्कार करना चाहिए। कोई भी टोटो चालक बारकोड नहीं लगवाएगा और न ही प्रशासन के किसी विभाजनकारी योजना का हिस्सा बनेगा। 9 और 10 तारीख को बनारस में टोटो चालकों की पूरी तरह से हड़ताल होगी, जिसमें एक भी टोटो सड़क पर नहीं चलेगा। यूनियन ने यह फैसला लिया है और सभी टोटो चालक इसे मानेंगे। यदि कोई टोटो चालक गलती से या किसी के बहकावे में आकर बारकोड लगवा लेता है तो उसे एक ही इलाके में सीमित कर दिया जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि उसकी कमाई घट जाएगी, क्योंकि एक ही मोहल्ले में गाड़ी चलाने पर यात्रियों की संख्या कम होगी और उनकी आय पर असर पड़ेगा। महंगाई के इस दौर में टोटो चालकों के लिए जीवन यापन कठिन हो गया है और इसलिए यह हड़ताल उनके अस्तित्व की लड़ाई है। अनशन का ये पांचवा दिन है हमारा और हम लोगों ने विवश होकर, जब हमारी बात सत्याग्रह की बात उन तक नहीं पहुंच रही थी और उन्होंने कहा कि हम 10 तारीख को तो बारकोड लगा के रहेंगे, तो हम लोगों ने कल महापंचायत की थी, आपस में बातचीत करके तय किया कि हम लोग 9 और 10 को पूर्ण हड़ताल करेंगे। तो आज ई रिक्शा चालकों का पूर्ण हड़ताल था, कल भी हड़ताल रहेगा जब तक ये हमारी प्रशासन हमारी बात नहीं सुन लेती। हम लोग जो है ये आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि 11 तारीख को अगर ये नहीं मानते हैं तो सभी ई रिक्शा चालक चाबी लेके यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को ये चाबी सौंप के वापस आएंगे।